पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के अलावा सभी से अनुरोध है कि मंच को खाली कर दें, मंच को प्लीज खाली कर दें पत्रकार वार्ता के अलावा। आप सभी मीडिया बंधुओं का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में स्वागत है। चुनाव से पहले का सबसे महत्वपूर्ण कोई दिन होता है तो वो आज का दिन होता है, जब मैनिफेस्टो निकलता है, जब हमारा घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र आपके सामने हम पेश करते हैं और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता के सामने प्रस्तुत। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी हैं, गुलाम नबी आजाद साहब महासचिव हरियाणा के इंचार्ज, हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री और इलेक्शन कैंपेन के अध्यक्ष, हमारे बीच में किरण चौधरी जी हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्षा थे, आफताब साहब हैं, पवन बंसल जी हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, सुरेश जी हैं। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत मैं निवेदन करूंगा कुमारी शैलजा जी से कि इसको आगे बढ़ा। आप सभी का इस कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र, जिसे हम घोषणा पत्र ना कहकर संकल्प पत्र कह रहे हैं, संकल्प पत्र का आज हम विमोचन कर रहे हैं। मैं बात बाद में रखूंगी, केवल अभी स्वागत करना चाहूंगी हमारे सीनियर नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री गुलाम नबी आजाद जी का, जिनकी गाइडेंस में हमारा पार्टी का कार्य हरियाणा में चल रहा है। घोषणा पत्र का काम बहुत ही, समय तो कम था लेकिन बड़ी मेहनत से घोषणा पत्र का कार्य हुआ है। हमारी समिति की अध्यक्षा श्रीमती किरण चौधरी जी ने और इनके साथियों ने, आफताब अहमद जी और सुरेश गुप्ता जी ने इनके साथ मिलकर इसको तैयार करने में बहुत मेहनत की है। मैं बात बात में रखते हुए पहले हुड्डा साहब की ओर से, अपनी ओर से आजाद साहब का स्वागत करती हूं और हम सबसे पहले घोषणा पत्र का विमोचन करेंगे, उसके बाद आजाद साहब हमारा मार्गदर्शन करेंगे और फिर मैं चंद शब्द बोलूंगी, हुड्डा साहब बोलेंगे और किरण जी अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करती हूं कि हम घोषणा पत्र का विमोचन करें। अरे फोटो नीचे बैठ जा भाई, और ताया जी थल्ले बैठ जाओ, एक मिनट की थल्ले बैठ जाओ।
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शर्जा जी, सीएलपी के लीडर और भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहतरम हुड्डा साहब, मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन किरण चौधरी जी, हमारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल जी और इसके साथ कन्वीनर को कन्वीनर जो मैनिफेस्टो कमेटी के थे आफताब अहमद साहब और सुरेश गुप्ता जी, पवन खेड़ा जी और सभी पत्रकार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के इस घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का जो जारी किया गया, अभी इसकी कॉपीज आप सबको मिलेंगी अभी तुरंत बाद। बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है, मैं बधाई देना चाहता हूं चेयरपर्सन और उनके सभी साथियों को के, और जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट और हुड्डा साहब इन्होंने भी देखा और उसमें अपने सुझाव दिए, ये सब सीनियर लीडर्स उसमें मौजूद थे और सभी सीनियर लीडर्स का कंट्रीब्यूशन इस मैनिफेस्टो को बनाने में लगा है। और मैं समझता हूं कि हाल में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है जिसमें समाज के हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया। हमारे देश की लोकसंख्या का आधा हिस्सा हमारी बहनों बहु बेटियों माओं पर निर्भर है, उनका विशेष ध्यान रखा गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, समाज में उनका कैसे मान सम्मान हो, और सर्विस में और राजनीति में दोनों में किस तरह से हमारी बहु बेटियों और माओं बहनों को बराबर का हिस्सा। 33% रिजर्वेशन की बात की गई है सर्विस में, ये एक बहुत इनकलाबी कदम है, शायद किसी भी राज्य में सर्विस में रिजर्वेशन का किसी ने वादा नहीं किया है 33%। इसी तरह से पंचायत में, म्युनिसिपलिटीज में, कॉरपोरेशन में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के बारे में चर्चा की गई है। हाउस टैक्स में 50% की छूट अगर वो घर पत्नी के नाम पे, ये तमाम चीजें बहुत क्रांतिकारी कदम है और हमारे समाज में हमारे बहनों बहु बेटियों को जो सम्मान देना है उसके लिए बहुत बड़ा कदम है, उनकी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिली। SC ST और बैकवर्ड हमारे जो पिछले वर्ग, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी आगे रिजर्वेशन के बारे में, एक क्लास और बी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जिस तरह से थर्ड और फोर्थ क्लास में हमारे मुलाजिमों को रिजर्वेशन होती थी उसके बारे में, पढ़ाई के दौरान उनको वजीफा मिले, स्कॉलरशिप मिले, इसमें वजीफे का SC और ST के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान, BPL के लिए बहुत प्रावधान, SC ST और बैकवर्ड जो BPL है उनके लिए प्रावधान, गरीब लोगों के घर बनाने के लिए प्रावधान है, उनके हाउसेस को मकान को रिपेयर करने के लिए प्रावधान है, मुफ्त जमीन BPL को, दलित को, बैकवर्ड को, जो गरीब है
उनको मुफ्त बहुत सरकारी जमीन जहां जहां भी अवेलेबल हो उसको देने का प्रावधान, स्वास्थ्य के बारे में प्रावधान कि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई जाए, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई जाए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या और उनका अपग्रेडेशन हो, फार्मर्स के बारे में बहुत चर्चा है कि उनको किस हद तक जो गरीब फार्मर है उसको बिजली मुफ्त दी जाए। तो तमाम चीजें अगर हम देखेंगे समाज में जिन चीजों से आज हम जूझ रहे हैं या गरीबों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या हमारी महिलाओं को जिन चीजों का सामना पड़ता है या बेकारी और बेरोजगारी उनके लिए किस तरह से अगर बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाते हैं लोग तो उस तरह से उनको कम दामों पे जमीन मिले या उस पे जो सरकारी खर्चा आता है खरीद में उसमें आधे दाम दिए जाए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे सभी साथी सीनियर लीडर हैं जिन्होंने इस घोषणा पत्र को बनाया है, उन्हें मुझसे ज्यादा जानकारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सत्ता में आएंगे और हम वचनबद्ध हैं। जो भी हमने घोषणा पत्र में लिखा है कहा है उसको पूरा करें। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, हमने 2004 और 2009 यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड की जो गवर्नमेंट थी उनमें जो हमने घोषणा पत्र जारी किए थे उनसे कई गुना चीजें हमने ज्यादा की थी। दुर्भाग्य से हमारे और दूसरे राजनीतिक दलों में इतना अंतर है, हम काम करने में हीरो हैं लेकिन पब्लिसिटी में जीरो है और दूसरी पार्टियां विशेष रूप से आज जो पार्टियां हैं केंद्र में सरकार चलाती हैं राज्यों में वो काम करने में जीरो है लेकिन पब्लिसिटी में वो हीरो। तो उनका काम टेलीविजन से ही चलता है लेकिन हमारा काम जमीन पे होता है। तो पिछले सालों की तरह जिस तरह से हमने जमीन पे काम किया था इस बार भी जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारा जो काम दिखेगा आपको टेलीविजन पे और इश्तेहारों पे नहीं दिखेगा वो आपको जमीन पे दिखेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान, हरियाणा के मजदूर, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा की हमारी माएं बहनें बहू बेटियां, आम जनता, बुद्धिजीवी कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे ताकि हम अपना मैनिफेस्टो जो हरियाणा को विशाल बनाने के लिए, हरियाणा को मजबूत बनाने के लिए, हरियाणा को आधुनिक बनाने के लिए जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उस मैनिफेस्टो को हम पूरा कर सकें और हरियाणा की जनता उसका लाभ उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, किरण चौधरी जी, आफ्ताब जी, सुरेश गुप्ता जी, पवन खेरा जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आपके हाथ में हमारा घोषणा पत्र, जैसा कि मैंने कहा हमारा संकल्प पत्र है, आ जाएगा अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। आवाज की कह रहे, ओके सॉरी, थोड़ा ऊंचा बोलू, ऊंचा बोलो। हाँ जी, हाँ बांट रहे हैं, आपके हाथ में ही आएगा अब।
हाँ। तो साथियों, जैसा मैंने कहा, श्रीमती किरण चौधरी जी हमारी इस समिति की चेयरपर्सन हैं। बहुत मेहनत गई है ये घोषणा पत्र तैयार करने में। हमारे कांग्रेस जनों के इनपुट्स तो इसमें रहे ही हैं, उसके साथ साथ हमने जनता से, संस्थाओं से, पब्लिक डोमेन से इसके बारे में सुझाव लिए और हमारी कमेटी ने बहुत मेहनत करके, अरे भाइयों सबको मिल रहा है, क्यों आप सबको मिल रहा है, पत्रकार बंधुओं सबको मिल रहा है, पहले बाद में कुछ नहीं है, सबको मिल रहा है। अरे भाई और निकालो, बांटो सबको, शुरू करें या ओके आने दीजिए। नहीं नहीं, जिसके हाथ में आ गया वो कह रहे हैं बोलो, और जिनके हाथ में नहीं आया वो कह रहे हैं अभी रुको। क्या बात, बांट क्यों नहीं रहे हा? चलो मैं शुरू करती हूँ, आते रहेंगे आप, कोई ऐसी बात नहीं। और मुख्य बिंदुओं पर तो अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, किरण जी भी बताएंगे। तो साथियों, 5 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, ये कहते हैं कि इन्होंने सुशासन दिया है, और जनता कहती है कि इन्होंने कुशासन दिया है। ये कहते हैं कि इन्होंने ईमानदारी से सरकार चलाई है, और जनता कहती है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। अपराध की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आज देश भर में हरियाणा अपराध के नाम पर टॉप पर माना जाता है, खास तौर से महिलाओं के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 36% अपराध बढ़े हैं, रेप केस 42% बढ़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हरियाणा में क्या हो रहा है। कितनी बार यहां पर हरियाणा जला, 3 बार आर्मी बुलाई गई, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी आपने पंचकुला में देखा, आपने बरवाला में देखा, और ये पहली बार हुआ है कि पुलिस की गोलियों से 80 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये इनका सुशासन है। जहां तक कि इनकी ईमानदारी की बात है, उसकी मिसाल आप देख चुके हैं। जो सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, उनके चेयरमैन को पकड़ा गया पूरी ईमानदारी में, जब वो रिश्वत ले रहे थे, सस्पेंड किया गया, और साथ के साथ चंद दिनों में उन्हें बहाल भी कर दिया। ये ईमानदारी की मिसाल है। घोटाले पर घोटाले हैं, माइनिंग घोटाले हैं, ड्रग माफिया है, ट्रांसपोर्ट में घोटाले हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो हरियाणा का ग्रीन कवर है, उसको खत्म करने की साजिश रची गई रियल एस्टेट के हाथों बेचने के लिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, वरना वो भी बिक जाता। तो इतने बड़े बड़े घोटाले यहां पर हुए, हर पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी की दर देश भर में सबसे ज्यादा है, 28.7% बेरोजगारी है। 15 से 19 साल के हमारे युवाओं में बेरोजगारी की दर 96% है, और 20 से 24 साल के हमारे युवाओं में बेरोजगारी की दर
65% से ज्यादा है। आप अंदाजा लगा लीजिए, पिछले दिनों जो मिसाल मिली थी हमें, जो 4,862 नौकरियों के लिए 15 लाख हमारे युवा युवती सड़कों पर थे, पूरे प्रदेश में भगा दिया उन्हें, 200-200 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ा नौकरियों के लिए। तो आज बेरोजगारी इतनी हद पर पहुंच चुकी है हरियाणा में। किसानों की हम बात करें, हमारी सरकार जब थी, यूपीए सरकार थी और हरियाणा में सरकार थी, हमने कर्जे माफ किए थे, 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे हमने। क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका आता है कि हमको किसानों की मदद, गरीबों की मदद करनी पड़ती है। आज के दिन किसान इतना ज्यादा त्रस्त है, दुखी है, सभी वर्गों की तरह से, लेकिन हरियाणा मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी कहते हैं कि अगर इनके कर्जे माफ करोगे तो वो आलसी हो जाएंगे और इनके कृषि मंत्री धनखड़ जी क्या कहते हैं कि जो किसान खुदकुशी करता है वो कायर होता है, वो गरीब आदमी की, किसान की व्यथा को नहीं समझ सकते। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब के किसान के दर्द को, पीड़ा को समझा। हाल ही में आपने देखा कि दादरी में धरने पर बैठे किसान, 5 किसानों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने उनके दर्द को नहीं समझा। ये कहते थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन आमदनी तो आधी हो गई है, लागत जरूर दुगनी हो चुकी। माननीय मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि जो उन्हें तोहफा कुछ मिलता है उसी को अपने ही वर्करों पर चला देते हैं, अपने ही वर्कर पर फरसा चला दिया। खुशी होती हमें अगर ये फरसा अपराध पर चलता, बेरोजगारी पर चलता, हमारे महिलाओं पर जो अपराध अत्याचार हो रहे हैं उन पर चलता, और जो ये इतने कर्जे हैं उन पर चलता, हमारे जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों पर चलता, लेकिन इन्हें असलियत नजर नहीं आ रही। इतनी जो मंदी है आज के दिन, वो हर एक वर्ग को, हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को छू रही। जो नोटबंदी से शुरू हुआ, जीएसटी तक आपने देखा, और आज हमारा राज्य इतना पिछड़ गया है, इतनी मंदी में आ गया है कि लाखों करोड़ों रुपया कर्जा लेना पड़ रहा है हरियाणा राज्य। उद्योग बंद हो रहे हैं, मारुति के बारे में सब जानते हैं। मानेसर में हमारा पानीपत, अंबाला, हमारी प्लाई इंडस्ट्री, हर तरह से सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, प्रोडक्शन डेज कम होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो साथियों, बहुत सी बातें हैं, अभी बात कही गई, हमारे संकल्प पत्र में आएंगी बहुत सी बातें, 2-4 बातें ही कहूंगी, बाकी विस्तार में हमारे और साथी भी बोलेंगे। हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है अपने संकल्प पत्र में, चाहे महिला उत्थान की बात हो, आजाद साहब ने नजर डाली महिलाओं के रोजगार के लिए हम 33% आरक्षण रखेंगे, निजी क्षेत्र में भी, सरकारी में भी। मैं बातों को दोहराना नहीं चाहूंगी, बहुत से बिंदु हैं, आप खुद देखेंगे। दलितों के लिए, बच्चों के लिए, जहां इन्होंने तो वजीफे हमारे दलित बच्चों के लिए के खा गए, घोटाले पे घोटाले हुए, हम दलित वर्ग के बच्चों को वजीफा देंगे, पहली से 10वीं कक्षा तक
12,000 रुपया सालाना तथा 11वीं से 12वीं तक 15,000 रुपया सालाना हम वजीफे देंगे। हम बीपीएल परिवारों के घर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपया देंगे और जहां जो प्लॉटों से वंचित रह गए, सरकार ने एक भी प्लॉट नहीं दिया, उनको भी देंगे। 50,000 रुपया मरम्मत के लिए देंगे, चौपालों के लिए देंगे। बहुत सी बातें हैं, पिछड़े वर्ग के लिए बताया गया, प्रथम और दूसरी श्रेणी में भी हम आरक्षण करेंगे और क्रीमी लेयर जो कि हरियाणा में 6 लाख रुपए तक का है वो हम 8 लाख रुपया करेंगे। हर परिवार में योग्यता के अनुसार एक नौकरी हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इसमें भी बहुत सी बातें हैं कि उनके स्वरोजगार के लिए हम काफी बातें करेंगे। बीसीडी श्रेणी के लिए इंटरव्यू प्रणाली खत्म करेंगे। किसानों के लिए हम, जैसे कि हमारे दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार आई हमने घंटों में दिनों में कर्जे माफ किए, उसी तरह से हम हरियाणा में भी माफ करेंगे। आज के दिन किसान को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमने उनकी सभी समस्याओं को समझा है और उनको पूरी तरह से राहत देंगे ताकि हमारा किसान और मजदूर पनप सके। हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है, हमारा प्रदेश आगे बढ़े तो किसानों और मजदूरों गरीबों के लिए हमने विशेष ध्यान देना है। कर्जा माफी जहां किसानों की होगी वहां पर हमारे गरीब लोगों की भी कर्जा माफी होगी क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, हम हर जिले में यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी बहाली होगी और अन्य बातें हैं। नशे की एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगी कि पंजाब में जब से सख्ती हुई तब से हरियाणा नशा माफिया की चपेट में आ गया है और इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी। तो हम वायदा करते हैं हरियाणा की जनता से कि हमारी सरकार बनते ही हम एसटीएफ बनाएंगे और इतनी सख्ती करेंगे कि यहां से इस तरह के लोगों का नामो निशान मिटेगा और हमारे जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य स्वच्छ हो, उज्जवल हो। उसके लिए हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सिंचाई की बहुत बात है, समान बंटवारा होना चाहिए टेल पर पानी, उसकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। उद्योग की बात है, तरह तरह की बातें हैं। उद्योग को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि वहां पर रोजगार के जरिए बढ़ें। हम एक व्यापार तथा उद्योग आयोग का गठन करेंगे। इसके अलावा भी बहुत से बिंदु हैं ताकि हरियाणा में उद्योग को बढ़ावा मिल सके। कानून व्यवस्था के लिए मैंने बताया कि जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच के लिए हम एक विशेष जांच दल का गठन करेंगे क्योंकि ये 5 साल में इनका जो गलत गतिविधियां रही, कुशासन रहे, घोटाले पर घोटाले रहे, उनका पर्दाफाश हो और यहां पर हमारे हरियाणा की जनता को एक पारदर्शी सरकार मिलेगी और उन्हें पता चलेगा कि इन्होंने 5 साल कितना झूठ बोला है। कर्मचारियों के लिए, क्योंकि सारे कर्मचारी इन 5 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीचे सड़क पर आपको नजर आए और उन पर आपको लाठियां बरसती हुई नजर आई, तो हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए उसकी सर्वोच्चतम विशेषताओं को लेते हुए नई पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से हम लागू करेंगे। मजदूरों के लिए हमें विशेष ध्यान देना है कि उनकी न्यूनतम वेतन हम दें, जो कुशल है 14,000 रुपए, अर्ध कुशल कारीगर को 13,000 रुपए, अकुशल को 12,000 और सबका ईएसआई कार्ड हो। इसी तरह बिजली की प्रति माह 300 यूनिट हम फ्री करेंगे और 300 से ऊपर जो है
उसका रेट हम आधा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दिन बिजली की दरें इतनी बढ़ गई हैं, इस कदर बढ़ गई हैं कि आम नागरिक को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। रेलवे लाइनों की बात है, मेट्रो की बात है, उनको हमने बढ़ाना है। इनके समय में इन्होंने कुछ कार्य एक लाइन नहीं लेकर आए, एक इंच बढ़ाया नहीं। जहां हम छोड़कर गए थे वहीं पर खड़ा है, कोई विकास नहीं है, कोई साथ नहीं। पर्यावरण के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा, पराली जो किसान मजबूर होते हैं जलाने के लिए उसका प्रबंध किया जाएगा ठीक से। सामाजिक सुरक्षा के लिए अनेकों बिंदु हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, उसको हम बढ़ाकर आज के दिन जहां भी हम जाते हैं हमारे जो वृद्ध लोग हैं सीनियर सिटीजन, उनकी व्यथा बहुत ज्यादा दुखदाई है और वो कहते हैं कि उन्हें तो महीनों महीनों पेंशन नहीं मिलती। 5 साल में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था 2000 करेंगे, लेकिन 5 साल लगा दिए 2000 तक। तो हम 5100 रुपया वृद्धावस्था पेंशन करेंगे। इसके अलावा भी जैसे हमारे विकलांग हैं, दिव्यांग लोग, उनके लिए हम बढ़ाएंगे। हमारे सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस कर्मचारी, उनके उनके परिवारों के लिए, और इसके अलावा भी साथी हैं, प्रेस के हमारे साथी यहाँ हैं, प्रेस कर्मियों के लिए हम हरियाणा में बस किराया और सड़क टोल को मुफ्त करेंगे, ताकि प्रेस कर्मियों को कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो। और बुजुर्ग और असहाय पत्रकारों को 20,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने की व्यवस्था करेंगे और सभी पत्रकारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे। और साथियों, बिंदु बहुत से हैं लेकिन आप इन सब को देख लेंगे, मैंने मोटी मोटी बातों पर नजर डाली है, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, अपने सहयोगियों का धन्यवाद करती हूँ। और मैं बधाई देना चाहूंगी श्रीमती किरण चौधरी जी को, आफताब जी को, सुरेश जी को, इनकी पूरी टीम को, जो इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, बहुत मेहनत की और एक शानदार संकल्प पत्र हरियाणा की जनता को जो हम दे रहे हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी लोगों के प्रति, जन समस्याओं के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है। जो दिखाते हैं हम, बताते हैं वो करके दिखाते हैं, आगे भी यही होगा। और आने वाले इस चुनाव में लोगों के सामने ये बात आएगी कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगी, और कांग्रेस पार्टी हमारे सभी लोग लगे हुए हैं, ये संदेश हम लेकर जाएंगे। और मैं साथ में एक और खुशखबरी आपको और आपके माध्यम से मैं देना चाहूंगी सभी को। एक नंबर है, आप में से कृपया जो डायल करना चाहें इस नंबर को डायल करें, 9355333011। कृपया डायल करके कोई देखें, 9355333011। ये हमारे संकल्प पत्र के लिए नंबर है, आप इसको डायल करेंगे तो वो आपसे आगे पूछेंगे, ताकि कई बार अब नई टेक्नोलॉजी है, ये पहल की है हमने हरियाणा कांग्रेस ने, इसका इस्तेमाल करें हम, ताकि कोई भी व्यक्ति हरियाणा का, कहीं का भी कोई भी नागरिक, आप लोग कई बार हार्ड कॉपी पहुंचाने में वक्त लगता है और दूसरी बातें, लेकिन ये नंबर है, इस पर आप जो जानकारी चाहेंगे हमारे संकल्प पत्र की, आपको वो जानकारी मिलेगी। तो जो मेरे साथी थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे थे कि जल्दी से कॉपी दो, हाथ में कॉपी आने से पहले आप सब सुन सकते हैं कि हमारे संकल्प पत्र में क्या क्या हम हरियाणा की जनता को देने जा रहे हैं। तो मैंने आपका समय लिया, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आग्रह करूंगी सीएलपी लीडर श्री हुडा जी से कि वो आपको संबोधित करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के
महामंत्री हुए, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बहन शैलजा जी, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन किरण जी, हमारे साथी पवन बंसल जी, पवन खेड़ा जी, आफ्ताब जी, सुरेश गुप्ता जी व उपस्थित सभी मेरे पत्रकार साथी व छायाकार साथी। देखिए, जो ये संकल्प पत्र लिखा है उसके लिए मैं किरण जी को और सभी सदस्यों को और सारे कांग्रेस के अध्यक्षा को और सारे वरिष्ठ जितने कांग्रेसजन हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही ऐसा संकल्प पत्र लिखा है जो हर वर्ग को और हर समस्या को उजागर करता है, चाहे वो सिंचाई है, चाहे बिजली है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे शहरी है, चाहे कर्मचारी है, हर वर्ग का इन्होंने किया है। बातें सारी शैलजा जी ने पूरी तरह सारी एक्सप्लेन कर दी, मैं समझता हूँ रिपीट करने की है? जो भी मुख्य मुख्य आपने बातें कह दी, मैं समझता हूँ उसकी रिपीट करने की जरूरत नहीं और सब ने पढ़ भी ली होंगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये जो संकल्प पत्र है वो इन नटशेल जो है हरियाणा को एक जो है सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित हरियाणा बनाने का काम करेंगे, ताकि जो हरियाणा अपनी जगह से पिछड़ गया इस 5 साल में, जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और विकास दर में नंबर एक था, आज पिछड़ गया है, आज नंबर एक अपराध में और बेरोजगारी में हो गया पूरे देश में। तो फिर से हरियाणा को उसके अपना विकास की पटरी पर चढ़ाने का काम ये संकल्प पत्र करेगा और ये गाइडलाइन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारे को, मैं और अध्यक्ष जी शैलजा जी, हम 10 जगह से ज्यादा इकट्ठे मीटिंग करके आए, जो एक वहां जो जोश था लोगों में, कार्यकर्ताओं में, जो आशा निराशा आशा में बदलती दिखाई दी, उसके दावे मैं कह सकता हूं, क्योंकि 5 साल पहले लोगों को जो ये बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया, जब हमने पढ़ा, हमारे को भी बहुत उम्मीद थी कि ये पहली दफा सरकार बनी है भाजपा की हरियाणा में, ये अपने वायदे पूरे करेगी और बहुत अच्छा प्रशासन देगी, लेकिन 5 साल के बाद मैं कह सकता हूं ये एक बिल्कुल विफल सरकार, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, बात बात होगी सरकार, ग्राउंड पे कुछ नहीं, एक यूनिट बिजली नहीं बढ़ाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई, 1 इंच मेट्रो लाइन नहीं बढ़ाई, 1 बूंद पानी नहीं लेके आए, बल्कि जो दादूपुर नलवी नहर भी उल्टी ऐसी उल्टी कर दी, कोई किसी किस्म से कहीं भी नहीं, बेरोजगारी बढ़ाई या कर्जा बढ़ाया। तो ये स्थिति देखकर वो आशा जो है बिल्कुल निराशा में बदल चुकी, जो आशा लोगों को 2014 थी, अब केवल आशा की किरण कांग्रेस की ओर देख रहे हैं लोग, और कांग्रेस से बहुत बड़ी उनको उम्मीद है, और ये संकल्प पत्र दिया है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और जो एक एक जो बात कही है उसके ऊपर अमली जामा पहनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद रखता हूं कि आपका भी सहयोग हरियाणा को एक अच्छा प्रदेश, नंबर 1 प्रदेश में पत्रकार साथियों का भी पूरा सहयोग हमारे को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हुड्डा साहब। मैं आग्रह करूंगी श्रीमती किरण चौधरी जी से कि वो हमें संकल्प पत्र के बारे में बताएं। धन्यवाद। हमारी पीसीसी के अध्यक्षा सीनियर नेता कुमारी शैलजा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहिबान गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे सीएलपी लीडर हुड्डा साहब, पवन जी मेरे साथ रहे हुए जिन्होंने बड़ी मेहनत करी, सुरेश गुप्ता जी, आफताब जी और पवन जी यहाँ बैठे हैं, सभी यहाँ पर आए हुए पत्रकार भाइयों और सारे पत्रकार भाइयों, माफ कीजिएगा मेरा गला बिल्कुल खराब है, बुरा हाल हो रहा है मेरे गले का बोल बोल कर। आज आप सबको मैं यहाँ वेलकम करती हूँ और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये संकल्प पत्र जो है,
जो हमने बनाया है ये बड़ी मेहनत के साथ बनाया। हजारों लोगों ने हमारे पास अपने अपने सुझाव भेजे, हर वर्ग ने हमारा अपने पास सुझाव भेजे, शैलजा जी ने, सबने, सभी नेताओं ने इसमें पूरी की पूरी अपनी शिरकत दी। और सच्चाई ये है कि क्योंकि समय थोड़ा था, चुनाव सामने था, 6-6 घंटे हमने बैठकर इसके ऊपर मगजमारी कर एक एक सुझाव के ऊपर कि क्या ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं, क्या है जो नहीं कर सकते। क्योंकि कांग्रेस जो है, जो वायदा करती है वो वायदा पूरे करने वाले होते हैं। बीजेपी का आपने देखा एक जुमला पत्र था, 154 वायदे थे, उन 154 वायदों में से एक भी वायदा पूरा ये नहीं कर पाए। लेकिन हमारा जो संकल्प है, हमारा जो संकल्प पत्र है और जिसको हमने कहा है संकल्प हमारा खुशहाल हरियाणा, आज हरियाणा के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं पिछले 5 साल के अंदर, बड़े विख्यात से शैलजा जी ने बताया, गुलाम नबी जी ने बताया, हुडा साहब ने बताया कि आज जो हालात है, हर वर्ग जो है त्रस्त, बुरे हाल हो चुके हैं। किसान जो है वो रो रहा है, इतनी बुरी तरह से किसान के ऊपर मार पड़ी है कि वो उठने लायक नहीं रहा, बेरोजगारी का आलम है। महिलाएं जो हैं वो अलग से घर के अंदर दुखी हैं क्योंकि इतना जबरदस्त जो है आप जानते हो भ्रष्टाचार ही नहीं, सारा का सारा कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। और कर्मचारी भाई जो हैं वो भी पूरे 5 साल सड़कों के ऊपर रहे। एससी वर्ग जो है उस वर्ग के साथ तो इन्होंने वो हल करा जो बिल्कुल ही खत्म करने के कागार के ऊपर, मजदूरों को और एससी वर्ग को, पिछड़ा जो हमारा वर्ग है जो भी उसके अंदर आते हैं उनको बिल्कुल ही पूरी तरह से बेढाल कर दिया। तो हालात जो हैं इस तरह से आ गए कि आज के दिन पूरे हरियाणा के अंदर हाहाकार मच रही। ये जुमले लेकर आते हैं, हर समय एक ना एक नया जुमला आ जाता है और जुमलों के बाद उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होती। जैसे शैलजा जी ने कहा भ्रष्टाचार का कहते हैं जीरो टॉलरेंस, लेकिन सच्चाई ये है जीरो टॉलरेंस की बात छोड़िए, आज आप कोई भी इसमें दफ्तर में चले जाइए आपको मालूम चल जाएगा कि क्या हालात हो रहे हैं। हमारे जो हैं लाइसेंस आप लेंगे उस दफ्तर में आप जाइए आपको मालूम चलेगा क्या हाल हो रहा है। जितनी फीस हमारे समय पे थी उससे दुगना आगे कर दी। किसान की जो फीस थी जो केसीसी कार्ड के ऊपर हमारे समय पे 10 रुपए लगा करते थे, स्टैंप जो लगी करती थी, आज 2000 हो गई, 2 लाख से ऊपर जो है उसको 5000 देना पड़ रहा है। जीएसटी जो अलग लागू करके सत्यानाश हमारे सारे व्यापारी भाइयों का कर दिया। हमारे किसान जो कभी भी जीएसटी के अंदर आते नहीं थे जीएसटी के अंदर उनको भी लेकर आए। तो हर तरीके से जो है बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं और ये हालात हो गए हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर ये सारे जो गरीब तबका है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, हमारा एससी वर्ग हो, हमारा बेरोजगार जो बच्चा घूम रहा है जगह जगह पर, ये सारे के सारे अगर इनको नहीं उत्थान हमारे को करा गया तो आने वाले समय में बहुत बुरे हालात हरियाणा के अंदर हो गए हैं। मैं तो ये कहूंगी उनको उठाने के लिए ये बड़ी मेहनत के साथ ये संकल्प पत्र जो है हमने तैयार करा है। और जो संकल्प है वो संकल्प हमारा पूरा तरीके से ठोस है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार बनेगी और एक एक बिंदु जो है उसके ऊपर बैठकर हम काम करेंगे। एक महिला होने के नाते 50% हमारी महिलाओं का योगदान रहता है, लेकिन हमेशा महिलाएं जो हैं वो अपेक्षित रह जाती, कहीं ना कहीं महिलाओं का नाम जरूर लिया जाता है लेकिन जब बात आती है तो महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। तो एक महिला होने के नाते इसके अंदर एक महिला स्पेसिफिक हमने अलग से काम करा है। शैलजा जी भी एक महिला है हमारी अध्यक्षा और मैं भी, मैनिफेस्टो जब मेरे को दे दिया तो नेचुरली महिलाओं का जो है, और सोनिया गांधी हमारी अध्यक्षा, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है, तो महिलाओं का खास तौर से हमने इसके अंदर ध्यान रखा है। और बाकी तो आपके पास सारा कुछ आ गया है, मुख्य बिंदु है, एक दो चीजें आपको मैं बता देती हूँ कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% हमने आरक्षण दिया है।
जो अभी तक नहीं था, और जो एक ऐसा नया काम हमने करा है, बीपीएल महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपया चूल्हा खर्च के तौर पर हम देंगे। क्योंकि आपने देखा, मैं जब गांव-गांव घूमती थी, महिलाएं एक बात कहती थी, बहन जी आपके समय पर गैस जो थी वो 400 रुपए की थी और उसके ऊपर भी हमारे को सब्सिडी मिलती, लेकिन आज वो गैस का सिलेंडर जो है वो 800 रुपए हो गया और हमारी सब्सिडी भी हमारे को नहीं मिलती। तो गरीब महिलाएं जो हैं, ये इन्होंने बहुत जोर से, वो कहते हैं ना, ढिंडोरा पीट के कहा था कि हम फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज महिलाएं जो हैं अपना चूल्हा चलाने के लिए मजबूर हो गई, इसलिए बीपीएल महिलाओं को हमने 2,000 रुपया चूल्हा खर्च के तौर पर हम देंगे। बुढ़ापा पेंशन की जो उम्र है महिलाओं की, उसको हमने 60 साल से घटाकर 55 साल करा है, और 5100 रुपया, क्योंकि आज आप देखते हैं कि ये कई ऐसे परिवार हैं, गांव-गांव जब हम जाते हैं देखते हैं कि सारे परिवार की आमदनी जो है वो केवल बुढ़ापा पेंशन के ऊपर चलती। सच्चाई है ये, बेरोजगारी का आलम इतना है, किसान की खेती के अंदर जो है एक दाना नहीं उग रहा। तो आज हालात ये हैं कि सारा, जिसके घर में पेंशन आ रही है उसके तो भाई घर में जो है रोटी पक जाती है, नहीं तो बहुत दुर्लभ सारा का सारा काम हो रहा है। इसी तरह से हमारे जो है ये 17 बिंदु हैं पूरे के पूरे अलग अलग करके, जिसमें जो है हमने महिलाओं के लिए खास तौर से ये प्रावधान करा है कि हमारी महिलाएं बहनें कहीं भी हरियाणा के अंदर जाएंगी तो वो उनको फ्री जो है रोडवेज के अंदर उनको इजाजत दी जाएगी। ये इसलिए करा हमने महिलाओं के लिए भी और नौजवान बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा किन हालात के अंदर आज के दिन जो है ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये लागू हो गया है। अगर मोटरसाइकिल के ऊपर आप जा रहे हैं, किसान उसने चप्पल पहन के अगर मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसका चलान है, उसके कागज अगर वो 24 घंटे अपने साथ लेकर नहीं चलता तो उसका चलान है। जाति के लिए एससी कमीशन का पुनर्गठन किया जाएगा और पिछड़ी जातियों की क्रीमी लेयर हो क्या रहा है। आपने देखा ये जो बैकवर्ड हमारी कास्ट हैं, हमारे जो भाई हैं, इनको गुमराह किया गया है। आज मैं आपके जरिए उन भाइयों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि आपका आरक्षण खत्म करने के ऊपर के लिए उतारू है। हम संकल्प लेते हैं कि जो है आपके 6 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 8 लाख वार्षिक आय होगी तो आप उसके अंदर क्रीमी लेयर में आएंगे, नहीं तो आप नहीं आएंगे। ये बात आपके जरिए जो है हमारे पिछड़ी जाति के वर्ग के जो भाई हैं उन तक जाए। हमारे युवा और रोजगार का जो है, हमने देखा बेरोजगार हमारे बच्चे घूम रहे हैं, जैसे शैलजा ने कहा 200-200, 300-300 किलोमीटर जो है जाके देख वो अपने इम्तिहान देने के लिए जाते हैं। 15 लाख बच्चों ने भरा, 20,000 नौकरियों के लिए 15 लाख बच्चों ने आवेदन भरा। हमारे समय पर फॉर्म की फीस जो है वो 100 रुपए हुआ करती, आज वही फीस जो है इन्होंने 500 बना दी है। तो आप समझ सकते हैं करोड़ों रुपए ये सरकार ने बना लिए। तो ये सरकार तो एक वसूली सरकार है, हर चीज हर जगह इन्होंने वसूला है, नौजवानों से वसूला है, महिलाओं से वसूला है, किसानों से वसूला है, कर्मचारियों से वसूला है, हर जगह वसूलों के मतलब आपकी जेब काट के उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। इसलिए 75% जो है हमने नॉन टेक्निकल स्टाफ के अंदर कि भाई जो भी होगा हमारे हरियाणा के बच्चों को जो है उसके अंदर उनको नौकरियां मिले। आपने देखा अभी पिछले दिनों एसडीओ की नौकरी थी, उन नौकरियों के अंदर किस तरह से जो है 80 बच्चे जो है वो बाहर के थे और केवल हरियाणा के 2 थे। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे हरियाणा के अंदर इनको कोई इस तरह के बच्चे ही नहीं मिले जो ये करें। और एक बात, बार बार ये ढिंडोरा पीटते हैं, पारदर्शिता, लेकिन सच्चाई ये, डी ग्रुप की नौकरियां जो इन्होंने
भर्ती करी, उसके अंदर हमारे बच्चे जो बीए, बीएड, एमए, एमएससी, पीएचडी, उन बच्चों को इन्होंने डी ग्रुप के अंदर नौकरी दी। तो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे जो हैं, उनको तो ये चपरासी के उधर स्तर के ऊपर लेकर आ गए। और जो योग्यता अनुसार जो नौकरियां मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जैसे शैलजा जी ने कहा कि किस तरह से आपने देखा एसएससी बोर्ड का जो चेयरमैन है, जिनके खिलाफ वारंट आए हुए थे, जिनका जो है अरेस्ट होने के वारंट थे, उनको हटाया नहीं गया। खुलेआम नायब तहसीलदार की नौकरियों के ऊपर जो हुआ, तो हम ये संकल्प लेते कि बी, सी और डी तीनों श्रेणी के जो हमारे आवेदन आएंगे नौकरियों के लिए, तीनों श्रेणी में हम नंबर नहीं रखेंगे और जो है मेरिट के ऊपर हमारे बच्चे जो हैं उनको हम जो है नौकरियां देंगे, ताकि ये बात ना हो कि जहां नंबर रखे जाते हैं तो फिर आप जानते हो वहां पे फिर सारा ये बात शुरू हो जाती है, फेवरेटिज्म, कोई अलग अलग किस्म की बातें होती हैं, वो आप सब लोग समझते हो, इसलिए मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। किसान जो है हमारा हरियाणा जो है वो किसान हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, और आज हरियाणा में किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। पानी नहीं, एसवाईएल नहर की बात के ऊपर ये जुमला करार बनके इन्होंने खत्म करवा दिया, राजनीति की भेंट जो है एसवाईएल नहर इन्होंने चढ़ा दी। तो हम संकल्प लेते हैं कि आज हरियाणा के अंदर सम्मान बंटवारा पानी का हम करके देंगे, कि जिन इलाकों के अंदर पानी ज्यादा है और जहां कम है उसको बराबर का बांट के देंगे, ताकि किसान भाई को उसका पूरा का पूरा खेती करने का उसको अवसर मिले। और किसान कृषि उत्पाद मंडी शुल्क को 2-1% जो है हम करेंगे। फसल बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक सबसे बड़ा घोटाला, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी का नाम लिया जाता है साथ में लगा के और किसानों की जेब काटी जाती है पूरी तरह से। जब मुआवजे के लिए जाते हैं तो फिर कोई ना कोई मापदंड बनाकर उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। तो ये जो है बीमा की जो किश्त है, ये हमारी सरकार जब आती है हम संकल्प लेते हैं वो बीमा की किश्त हम भरेंगे, और हम निश्चित करेंगे कि ये जो कंपनियां ये सही तरीके से जो है पूरा का पूरा मुआवजा दें, और जहां जहां सूखा पड़ा है वहां सूखे पर हम पूरी तरह से जो है उसको सूखा घोषित करें, उस इलाके को गिरदावरी करवाई जाए। और जैसे कांग्रेस सरकार के अंदर करा जाता था कि हर एक जब सूखा ग्रस्त जो होता था हर एक किसान को उसका जो है खामियाजे का उसका पूरा का पूरा उसको मुआवजा दिया जाता था। तो ये सारा का सारा जो है बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे किसानों के लिए एक बहुत अहम बात हम बार बार विधानसभा में भी मैंने उठाई कि जो है आवारा पशु जो है वो घूमते हैं, और आप लोग समझ नहीं सकते किस तरह से जो है ये गांव के अंदर जहां पे इनकी फसल लगी हुई है वहां पे वो खा जाते हैं पूरी तरह से। तो आप जो है समझ सकते हैं। हाँ, ये मैं इस पे आ गई, मैं आ गई। तो ये सारा का सारा आवारा पशुओं के लिए भी अलग से बाड़ी बनाकर हर एक जो है पंचायत के अंदर हम व्यवस्था करेंगे, ताकि किसान के ऊपर उसका जोर ना पड़े। और किसान और मजदूरी सहकारी समितियों में से गांव के किसान, पिछड़ा, दलित और अन्य समाज के वर्गों द्वारा 1,00,000 तक मूलधन की राशि कर्ज पूरी तरह से माफ किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, हमारे 21 बिंदु हैं, आप पढ़िएगा, जिसके अंदर आप पूरे के पूरे आप ये देखेंगे कि किस तरह से एक एक चीज को मद्देनजर रखा है बारीकी से। जैसे कहते हैं ना पूरी नीडल होती है ना, सुई की नजर देखकर हमने ये सारी की सारी बातें रखी हैं। शिक्षा को बढ़ावे के लिए हमने, आपने देखा हर मेडिकल कॉलेज जो है इन्होंने तो वायदा करा था, वो वायदा इन्होंने पूरा करा नहीं। जहां जहां मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हम कर गए थे उन मेडिकल कॉलेज जैसे भिवानी फॉर एग्जाम्पल, आज तक वो मेडिकल कॉलेज के ऊपर एक ईंट नहीं रखी गई। तो हम जो है संकल्प लेते हैं कि हर जगह एक मेडिकल कॉलेज देंगे।
और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 12,000 रुपया और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 15,000 रुपये सालाना वजीफा दिया जाएगा, क्योंकि वजीफे के बिना जो बिल्कुल ही गरीब बच्चा है वो आगे बढ़ नहीं सकता है। और हर सरकारी संस्था में मुफ्त वाईफाई का जो है हम प्रावधान करेंगे, ताकि हमारे बच्चे वहां जाकर अपना कंप्यूटर का या जो भी अपना करना चाहते हैं वाईफाई से वो पूरा का पूरा कर सकें। इसी तरह से जो है सेहतमंद हरियाणा, इसके अंदर सारे की सारी बातें आप लिखी हुई हैं, आप सारे पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा और उसके अंदर गरीबों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। उद्योग और व्यापार के भाई जो हैं उनका जो है जीएसटी का सरलीकरण के लिए हम पूरा दबाव केंद्र के ऊपर बनाएंगे। और जो है 50 लाख रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर और जीएसटी लाइसेंस धारक व्यापारी और अन्य पेशावर व्यक्तियों को 5 लाख रुपए का बीमा और 1 करोड़ के टर्नओवर और जीएसटी लाइसेंस धारक व्यापारी को 10 लाख का बीमा जो है हम करवा के देंगे, ताकि जो छोटा उद्योग है, छोटा व्यापारी जो है, उद्योग की बात छोड़िए, जो छोटा व्यापारी पहले तो नोटबंदी से मर गया, ऊपर फिर जीएसटी की मार उसको पड़ गई और अब जो है आर्थिक मंदी इतनी हो गई है कि सारा का सारा काम जो है उसका खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था के लिए हम संकल्पबद्ध, हमारी सरकार बनेगी या गुंडे जो है इनको बाहर निकाल के फेंकेंगे, गुंडा जो है हमारे सरकार के अंदर नहीं रह पाएगा। कड़ा कानून जो है उसको हम बनाएंगे और वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारी कांग्रेस के अंदर गुंडों की नहीं चलेगी। इसी तरह से हमारे कर्मचारी भाई जो बहुत बारी हमारे पास आए, विधानसभा में उनकी बहुत बारी बातें उठाई और बार बार उन्होंने एक ही बात कही कि जो है हमारे को पंजाब के समान जो है वेतन हमारे को देना। हमारी सरकार ने उस समय संकल्प लिया था कि हम देंगे। दुर्भाग्य की बात ये कि इन्होंने भी अपने संकल्प पत्र के अंदर जो है ये बात कही थी कि आपको हम आपको पंजाब के बराबर का वेतन देंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये खाली एक जुमला बन के रह गया। हमारी सरकार बन के आने दो, हम जो है सारे कर्मचारियों भाइयों को उनका जो है पूरा वेतन भत्ता जो है वो पूरा पंजाब के समान देंगे। पुरानी पेंशन योजना, क्योंकि आज के दिन कर्मचारियों को पता ही नहीं है पेंशन कितनी मिलती है, अपने वो कहते हैं ना समय के अनुसार पेंशन मिलेगी, सारी की सारी पुरानी पेंशन जो है उसकी बहाली करेंगे, ताकि कर्मचारी भाई जो जीवन भर अपने घुटने रगड़ता है, सारा जीवन जो है सरकार की सेवा करता है, उसको कम से कम बुढ़ापे के अंदर जो है ये मशक्कत ना करना पड़े कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, और उसको सुनिश्चित करेंगे कि उसकी पेंशन जो उसको मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से होगी। और 58-60 वर्ष की आयु जो है हम जो है उसकी सेवा वृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 तक करेंगे। और इसी तरह से आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर, एनएचएम श्रमिकों के वेतन भत्ते, सरकारी कर्मचारियों के सारे जो है हर संभव प्रयत्न जो है वो करेंगे। बिजली जो है आज आप जानते हैं बिजली कम आती है, लेकिन बिजली की चुटकी ज्यादा लगती है, इतना जबरदस्त बिल आने लगे कि लोग बार बार आके बताते हैं कि ये जो है बहन जी बिजली जो है हमारे मीटर ऐसे लगा दिए और एक जगह से मीटर खरीदने पड़ते हैं। अब ना जाने क्यों ऐसा काम कर रखा है, चाहे ट्यूबवेलों के हो चाहे दूसरे हो, आप समझ सकते हो, यहाँ मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीबों को राहत देने के लिए 300 यूनिट प्रति माह तक हम फ्री करेंगे और 300 से अधिक यूनिट प्रति माह पर रेट जो है उसको हम आधा करके दिखाएंगे। घरेलू बिजली को जो है इस प्रकार से हम ये देंगे। और बाकी रेल मजदूर वर्ग का जो है, मजदूर वर्ग बहुत ही गरीब वर्ग है और इसके लिए न्यूनतम वेतन दर में हम इस प्रकार इसकी वृद्धि करेंगे। कुशल कारीगर को 14,000 रुपए प्रतिमाह, अर्ध कुशल कारीगर को 13,000 रुपए प्रतिमाह, अकुशल कारीगर को 12,000 रुपए प्रतिमाह और सभी मजदूरों को ईएसआई कार्ड दिया जाएगा। रेलवे और मेट्रो वाली बात भी सारी की सारी आप देखिएगा। परिवार पर्यावरण सामाजिक सुरक्षा में भी एक दो पॉइंट बोलूंगी मैं। बुजुर्गों को भी हरियाणा रोडवेज में मुफ्त जो है यात्रा करने की बात हमने रखी है।
और सरपंच का मानदेय 10,000 रुपया, पंच का मानदेय 2,500 रुपया प्रति माह किया जाएगा, पंचायत समिति के अध्यक्ष को 12,000, उपाध्यक्ष को 8,000 और पंचायत समिति के मानदेय 3,000 रुपये प्रति माह हम करेंगे, नंबरदार को मानदेय 6,000 रुपया तथा चौकीदारों का मानदेय 8,000 और उनको वर्दी भत्ता भी 2,500 रुपये हम करेंगे, जिला परिषद अध्यक्ष को मानदेय 20,000 और उपाध्यक्ष का मानदेय 15,000 रुपये तथा सदस्यों का मानदेय 10,000 रुपया जो है प्रति माह किया जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये लोग जो हैं ये मेहनत करके इलेक्शन लड़के आगे आते हैं और फिर उसके बाद अगर इनके कोई भी व्यवस्था ना करी जाए, ये एक मानदेय की जो है मान सम्मान की बात है, उसको हम लागू करेंगे। इसी तरह से विकलांगों के लिए, अभी आपने देखा विकलांग भाई जो है बड़ी दुखी होते हैं हम देखकर, उनको बहुत सारे विकलांग, एक तो सबसे पहले भगवान की मार, और उनको कहा जाता है कि भाई 75% अगर आपका नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने जो है इसको खास तौर से नजर रखते हुए हमने प्रदेश के विकलांगों के लिए 100% जो है विकलांग भाई होगा उसको 8,000 मानदेय प्रति माह दिया जाएगा, 100% जो होगा, 90% जो होगा विकलांग उसको 7,000 रुपये मानदेय और 80% जो होगा उसको 6,000 मानदेय और 70% से नीचे जो भी विकलांग होगा उसको 5,000 रुपया मानदेय के रूप में हम देंगे, चाहे वो जन्मजात बच्चा क्यों ना, छोटा बच्चा भी जिसके घर में होता है उसकी भी देख रेख के लिए माँ बाप को जो है बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए ये 5,000 का हमने शुरुआती ये जो है ये रखा है। और इसी तरह से सैनिक और अर्धसैनिक पुलिस सम्मान के जो हैं, पुलिस के भाई जो हैं हमारे, अर्धसैनिक बल जो हमारे हैं देश की रक्षा करते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए इनके नाम जरूर लिए जाते हैं, इनका जो है आगे जरूर किया जाता है, देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें जरूर करी जाती हैं, लेकिन जब इनकी बात आती है तो इनको पीछे कर दिया जाता है। तो हमने इसके अंदर देश के लिए प्राण निछावर करने वाले सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों की परिजनों के लिए विशेष सुविधाएं रखी हैं। हम शहीदों के परिवार को उनको आर्थिक सहायता की नीति तैयार करेंगे और इस नीति में पूरा वेतन और भत्ता शामिल होगा और साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए धन तथा शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 75,00,000 मुआवजा हम देंगे, ये हमारा संकल्प है। साथ ही साथ तकनीकी संस्थान, मेडिकल, अन्य और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के संस्थानों में दाखिले में पूर्व सैनिकों के बच्चों को हम जो है उनको आरक्षण दिया जाएगा और हरियाणा पुलिस के जवानों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। पुलिस के जवान और अफसरों के लिए बेहतर कार्यस्थल और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, उन्हें आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाए जाएंगे और उन्हें चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जो पंजाब का अन्य वेतन है वो भी हम करेंगे। अन्य भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमारे 24 पॉइंट्स इसके अंदर हैं। खास तौर से एक मैं बता देती हूँ, आखिरी प्रेस कर्मियों का, आपकी दिवाली खुशहाल हो, खुशहाल हो, आप आगे बढ़े क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक और आप और हम एक ही श्रेणी के हैं, हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत आप करते हैं, तो आपके लिए खास तौर से हमने ये प्रावधान किया है कि आपका बस का किराया, सड़क का टोल मुफ्त, बुजुर्ग और असहाय पत्रकारों को 20,000 रुपये प्रति महीना पेंशन और सभी पत्रकारों को कौशल स्वस्थ कैशलेस जो है सुविधा जो है आपको दी जाएगी, क्योंकि पत्रकार भाई जो हैं इनके बारे में सोचा कम जाता है और काम आप इतना करते हैं, तो आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि ये जो हमारा संकल्प पत्र है खुशहाल हरियाणा बनाने का, ये जो संकल्प पत्र है ये पत्र जो है घर घर में जाए और लोग पढ़े और जाने कि कांग्रेस पार्टी जो है वही एक पार्टी है जो आने वाले समय के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखेगी, एक खुशहाल हरियाणा ही नहीं एक सशक्त हरियाणा
और सुशासन वाला जो है सरकार कांग्रेस पार्टी आपको देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी। चंद मिनट और चाहूंगी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्रीमती किरण चौधरी जी का, बड़े विस्तार से सारी बात समझाई। और साथियों आपकी जानकारी के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपना नंबर लॉन्च किया है और 1500 के करीब कॉल्स ऑलरेडी उसमें अभी तक आ गई हैं। अब एक सॉन्ग आपके सामने रखेंगे और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। नई सोच नया हरियाणा, हमको है करके दिखाना, अब देखेगा रे जमाना उन्नति का खजाना। इब कह कांग्रेस, इब कह कांग्रेस, औरत को सम्मान मिले, युवाओं को पहचान मिले, किसान को सही दाम मिले, बेघर को घर बार मिले, आगे बढ़ेंगे व्यापारी, खत्म अब बेरोजगारी, साफ सुथरा हरियाणा, नए सफाई कर्मचारी। इब कह कांग्रेस, इब कह कांग्रेस। ओके हियर वी गो। वो कहा के सबसे हरियाणा, बेघर का अपना ठिकाना, बुजुर्गों को रोड पे फ्री, इंदिरा रसोई देगी भर पेट खाना, बिजली फुल रेट आधा हो जाना, जीएसटी को है आसान बनाना, अस्पतालों का खर्च घटाना, मुफ्त इलाज करवाए बीमार, होगी ना दफ्तर में लंबी कतार, मेट्रो का होगा तुम देखो विस्तार, कहाँ मिलेगी ऐसी सरकार। अब होगी नहीं कोई टेंशन, मिलेगा बुढ़ापा पेंशन, अब हर जॉब में भी मिलेगा महिलाओं को आरक्षण, हर बच्चा पढ़ लिख जाएगा, स्टेट का नाम चमकाएगा, हर जिले में यूनिवर्सिटी, हरियाणा दुनिया पे छाएगा, आगे बढ़ेंगे कदम, अब हम तो लेंगे नदम, मिलके है जिताना, इब के कांग्रेस को लाना, नई सोच नया हरियाणा, हमको है करके दिखाना, इब के कांग्रेस, इब के कांग्रेस, इब के कांग्रेस। 21 अक्टूबर को हाथ के निशान वाला बटन दबाए, इब के कांग्रेस को जिताए। जितने भी वादे किए गए हैं उसके लिए कितने बजट का प्रोविजन होगा, कितना खर्च आएगा, किसके लिए क्या क्या रखा गया और क्या उसके बारे में भाई बैठ के आपने आपने हाँ हाँ मैं जानती थी सबसे पहला सवाल आपका यही होगा। देखिए पिछले सरकार में आपने देखा कि इन्होंने कार्य कुछ किया नहीं और इतना पैसा लगाया है अपने प्रोपेगेंडा पर, जो अभी कहा गया कि आजाद साहब ने कहा कि हमारा हमारे काम में हम हीरो होते हैं और जो लोगों को बताना होता है उसमें हम जीरो हो जाते हैं। अब और इनका कार्य ये रहा कि कार्य जीरो था और लोगों को बताने में ये हीरो रहे, कार्य कुछ किया नहीं। हम हर तरह का, चाहे ये फॉल्स प्रोपेगेंडा हो, चाहे इस तरह की आप जगह जगह देखते हैं कि तस्वीरें ये वो, ये हजारों हजारों करोड़ों रुपया इस पर लगा देते हैं और 5 साल में इतना पैसा हमारी पब्लिक का इन्होंने खर्च किया है, कहीं इवेंट दिखा लगा ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे कुरुक्षेत्र में हो, प्रवासी हो, तरह तरह के इवेंट्स में जो इनका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको हम बिल्कुल खत्म करेंगे, क्योंकि जनता का पैसा, हमारा विश्वास है कि वो जनता पर लगना चाहिए, ना कि अपना भोंपू चलाने के लिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की आदत है। हम एक एक पैसा, एक एक पाई जनता की जो कर के द्वारा सरकारी खजाने में आती है, एक एक पाई का हिसाब देंगे और इनके ऊपर हम व्हाइट पेपर निकालेंगे, पैसे की कमी नहीं आने देंगे, जो हम संकल्प ले रहे हैं उसे हम पूरा करेंगे। एस्टीमेट लगाएंगे कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा? जब ये सरकार आएगी तो सारे आंकड़े बजट हर एक डिपार्टमेंट का तैयार करके आपके सामने रखा। आजाद साहब मेरा क्वेश्चन आपसे है जी, इसमें आप पढ़ लीजिए
पिछला संकल्प, पिछला जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, उन्होंने कहा था लागू करने की बात। हम उनको पूछ रहे हैं, क्योंकि जो सरकार होती है, जो अपनी बात रखती है, उसको 5 साल मिलते हैं पूरा करने के लिए। आज के दिन कटघरे में सरकार खड़ी है। हम उनसे सवाल करते हैं कि आपने वायदा किया था स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने का, और उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। हम अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए अनेकों बातें कह रहे हैं, जो हम यहाँ पर कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हम इन्हें पूरा करेंगे। आजाद साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हरियाणा कांग्रेस अफेयर्स के इंचार्ज हैं। आपने वर्चुअली तो आपने ही रिलीज किया है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो। आई हैव ए टू क्वेश्चन। वन, हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने पंजाबी को हरियाणा की ऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट ईमानदारी से नहीं हुआ है। एक तो ये बताएं कि अगर आपकी सरकार बन जाती है और मौका मिल जाता है तो क्या वो वर्चुअली लागू होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी। द सेकंड क्वेश्चन सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हुड्डा साहब ने कुछ महीने पहले ये ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस इन पावर हरियाणा में आ गई तो मैं डिफरेंट कैटेगरी से 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसका जिक्र तक नहीं है जनाब अली, ये बताइए। देखो ये पॉलिटिकल पहला बात जो आपने बताई, आप इंग्लिश के लिए चाहते हैं इंग्लिश इंग्लिश में बोलो जी इनको। नहीं, वो तो पंजाबी भी चाहिए था से। नहीं, पर इंग्लिश भी चाहिए। पंजाबी तुसी सेकंड लैंग्वेज की गल कर दो तो अंग्रेजी भी पूछ दो है। तो जेड़ा इन्होंने वादा किया था पंजाबी दे बारे विच पिछली गवर्नमेंट विच, वो बिल्कुल असी पूरा करांगे और पूरी तरह लागू करांगे। जिथे तक जबान का सवाल है, पंजाबी का सवाल है, पंजाबी तो साढ़े इस पूरे एरिया विच बोले जाती है, जम्मू तो लेके पंजाब ते हिमाचल कश्मीर दिल्ली तक, हरियाणा एंड दिल्ली तक। तो पंजाबी तो सारिया की साड़ी सांझी जबान है, तोड़े कल्ले की जबान नहीं है। तो जिहड़ा इन्होंने प्रोमिस किया था साड़ी पुरानी गवर्नमेंट ने, वह तो असी पूरे लागू करांगे। जिथे तक अब वो पंजाबी में बनी है जो आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, वो जब चीफ मिनिस्टर होता है, जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है, ये चीजें मैनिफेस्टो में नहीं रखी जाती हैं, न पार्लियामेंट के और न विधानसभा के चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, कितनी कैबिनेट होगी, कितना साइज होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो होगा, ये हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये उन पर निर्भर होता है। अब जैसे देखेंगे आप आंध्रा में उसने 5 चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, उसको देखते देखते ही दूसरे महीने तेलंगाना वाले ने भी 4 चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। तो ये चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि मंत्रिमंडल का एक हिस्सा होता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी एक मंत्री ही होता है, खाली डिजिग्नेशन उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन कुछ उसको न तनख्वाह में कुछ ज्यादा बढ़ती होती है और न ज्यादा कुछ है। तो जो भी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उस वक्त बनेगा, तो ये उसकी मर्जी पर निर्भर है। आजाद साहब, 2-3 बातें मुझे ऐसे लग रही हैं, बीजेपी से प्रभावित पब्लिक नहीं, आप भी नजर आ रहे हैं। पहले आपके मैनिफेस्टो का नाम घोषणा पत्र था, अब संकल्प पत्र हो गया। दूसरा, आपने कहा ग्रुप सी डी और बी का हम इंटरव्यू खत्म करेंगे, सी और डी का तो इंटरव्यू ऑलरेडी खत्म हो गया। पहले फसल बीमा योजना का आप कह रहे थे, विरोध करते थे, इसमें घोटाला हो गया, आप भी कह रहे हैं कि हम सुनिश्चित करेंगे फसल बीमा योजना के बारे में, तो मीनिंग कि आप लागू रखेंगे इसको, तो ये 2-3 कन्फ्यूजन हो गए, ये क्या है? नहीं देखे, इसका ये उत्तर हमारे स्टेट के लीडर्स देंगे जो से, लेकिन फसल बीमा का तो मैं ये इतना कहूंगा कि फसल बीमा कोई बुरी बात नहीं, फसल बीमा बहुत अच्छी बात है, लेकिन लागू कराने पर निर्भर है। फसल बीमा योजना आप किसानों के लिए कर रहे हैं कि बीमा कंपनियों के लिए कर रहे हैं? फर्क बीजेपी की सरकार और हमारी में इतना अंतर है कि हम फसल बीमा योजना किसानों के लिए कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बीमा कंपनियों के लिए कर रही है। जहां तक मुझे याद है
कि पार्लियामेंट में इसी सेशन में हमने बताया था कि एक ही साल में फसल बीमा योजनाओं का 11,000 करोड़ मुनाफा हुआ, तो किसान को तो मिल नहीं रहा है। अगर सरकार ही बीमा योजनाओं के साथ मिल जाए, क्या हम फसल बीमा योजना हिंदुस्तान में चलाएंगे और आप बीमा आप और हम सरकार पार्टी को फंड में जमा करते रहना, वो हम पार्टी फंड के लिए बीमा योजना वाले नहीं है, हम किसानों के लिए बीमा योजना वाले हैं, उसको किसानों के लिए लागू करें। इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूं जी। अभी तक जो है जो सूखाग्रस्त जो है जो भी इलाके निर्धारित करे जाते हैं गिरदावरी करने के बाद, उनको सरकार मुआवजा नहीं देती है, वो सारा इनके ऊपर छोड़ देती है। हमारा फर्क यह है कि सूखाग्रस्त जो इलाका होगा गिरदावरी के बाद, सरकार वो मुआवजा पूरा का पूरा देगी। और जो फसल बीमा योजना जो ये है, जो सरकार उसका लाभ उठाना चाहते हैं वो उसको उठा सकते हैं, जो नहीं उठाना चाहते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, वो सरकार सुनिश्चित करे। डी ग्रुप सी और डी की बात कर रहे थे, इंटरव्यू तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जरा उत्तर देंगे हुड्डा साहब। ऐसा है, जो फसल बीमा का जो सवाल है, ये जो प्रेजेंट शेप में है जो लागू कर रहे हैं, ये किसानों के हित में नहीं है। ये तो लोन रिकवरी है, एक तो उसी की करते हैं जिसने लोन ले रखा हो, और कंपल्सरी करते हैं। ये दुनिया में पहली ऐसी फसल बीमा योजना है, कोई भी इंश्योरेंस हो वो दोनों पार्टीज की कंसर्न होनी चाहिए, इंश्योरी की भी और इंश्योरर की भी। इसमें एक सिर्फ उनकी कंसेंट है, किसान से पूछा नहीं जाता है, बैंक अकाउंट से सीधा काट दिया जाता है और उसको मिलता नहीं। यही कारण है कि कंपनियों को फायदा मिलता है। हमारे समय में भी थी, लेकिन ऑप्शन वॉज फार्मर विद फार्मर। अब जो है इसमें जो भी करने की जरूरत होगी उसमें अमेंडमेंट हम करेंगे, किसान को फसल बीमा देंगे हम, वो जरूरी है, और उसको किसान को उचित लाभ पहुंचे, उसको ही लाभ हो, इस शेप में लेके आएंगे। किरण जी, ये ग्रुप सी और डी का तो इंटरव्यू ऑलरेडी समाप्त हो गया है। नहीं, सीआरडी की बात ये है, सीआरडी का खत्म हो गया और ये बी का भी उन्होंने इंक्लूड किया उसमें। तो बी का भी तो, बी तो, बी मतलब बी बच रहा है ना, तो सी और डी का ऑलरेडी खत्म हो गया। लेकिन अच्छा, पेंशन जो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे वो तो कांग्रेस सरकार में लागू हुई थी, ये बीजेपी भी कह रही है और चीफ मिनिस्टर भी कह रहे पेंशन बहाली की बात करी जा रही है, पेंशन तो उन्होंने लागू थी कांग्रेस सरकार ने 2006 में। देखिए पुरानी पेंशन ये स्कीम हमारा दो हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के समय में, पहले से प्रपोजल थी, लेकिन इसका जो है तजुर्बा जो हुआ, पहले एम्प्लॉय से पूछा था लेकिन उनका तजुर्बा ठीक नहीं हुआ, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, तो इस वास्ते हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं। आजाद साहब, मेरा सवाल आपसे है, दिल्ली के अखबारों ने कुछ खबर छापी है कि संदीप दीक्षित ने ये आरोप लगाए हैं कि शीला दीक्षित की मौत के जिम्मेवार पीसी चाको हैं, क्योंकि उनको मानसिक प्रताड़ित किया गया पीसी चाको द्वारा। ये सब फजूल क्वेश्चन पूछे, फजूल क्वेश्चन है और फजूल इल्जाम है। सर, एक सवाल है कि इससे पहले पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनी, किसानों के कर्ज माफी का आपने वादा किया था, यहां पर भी लिखा हुआ है कि 24 घंटे में पहली कलम से कर्ज माफी की जाएगी, तो सवाल यह कि कर्ज माफी क्या वहां पर जैसे 2 लाख तक का लोन पहले माफ किया गया ऐसा होगा, या जितना भी लोन है एक ही बार में आप सारा माफ कर देंगे? उस वक्त सरकार आएगी और ये चीजें कैबिनेट के विचाराधीन होगी और जो कैबिनेट बनाए, सवाल है कमिटमेंट। इलेक्शन में जब हम मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो उसमें कितना पैसा, कितना निर्धारित, किस समय, ये जो 24 घंटे हो या 24 दिन की बात हो, ये दर्शाने के लिए कि हम कमिटेड। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कमिटमेंट की, और वास्तवता में पहले महीने के अंदर अंदर ही, कहीं उन्हें तो पहले हफ्ते में किया लेकिन कहीं उन्हें पहले महीने में किया, हालांकि वो हमें बड़ा मुश्किल काम था उसको करने के, लेकिन हमने उसको सहा। तो हमें
कहने का ये मकसद है कि जिस तरह से हमने राजस्थान के अंदर, जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ के अंदर, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर पहली प्राथमिकता हमारी जो रही थी कर्जा माफ करने की, यहां हरियाणा के अंदर भी वो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कर्जे को माफ करना। फिर वो 24 घंटे का 24 दिन भी हो सकता है, लेकिन प्राथमिकता की बात है, कमिटमेंट की बात करते हैं हम। जब तुरंत कहते हैं तो तुरंत हो, इसी वक्त तो नहीं होता है ना, एक कमिटमेंट की बात। सर, अरे हाँ, गुलाम नबी जी जरा इधर ध्यान देंगे सर, इधर से भी थोड़ा क्वेश्चन ले लिया जाए, नहीं ये कहीं से 20 ले लीजिए फिर तो बात अलग है। ठीक है, हाँ, ये किरण चौधरी जी ने बड़ा मेहनत किया, पढ़ने में भी काफी टाइम लगा, शायद आपका फ्लाइट का वक्त भी हो रहा होगा, ज्यादा लग गया था। ये खेलों में हरियाणा जाना जाता है, खेलों में हरियाणा है, और हुड्डा जी का हरियाणा नंबर वन है, हरियाणा खेलों में। खेल का सर मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है आपके जो संकल्प पत्र है, और दूसरी बात यह है कि मैनिफेस्टो बनाया है, जब सरकार बनाएंगे जैसा दावा कर रहे हैं कि अगली सत्ता में वापसी करेंगे, कितने दिन में पूरा मैनिफेस्टो लागू कर देंगे? मैनिफेस्टो तो 5 साल के लिए होता है ना, मैनिफेस्टो 1 दिन के लिए नहीं होता है, वो अपनी जितने देर आपकी सरकार है तो आपके 5 साल के अंदर आपको अगले इलेक्शन में जाने से पहले आपको मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करना होता है। फिर उसमें प्राथमिकताएं फिक्स की जाती हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, और लोगों को सबसे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं भाई, हरियाणा की बात नहीं, प्राथमिक पूरे कंट्री में, और हर पार्टी को अपने इलेक्शन, नए इलेक्शन जाने से पहले आपको उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। प्राथमिकताएं फिक्स कर दी जाती हैं, प्रायोरिटीज फिक्स की जाती हैं कि किसकी सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत है, लेकिन इसकी अवधि कोई दिनों की नहीं होती, महीनों की नहीं होती, अपने जब तक के लिए आपको वोट दिया जाता है उसी पीरियड में आपको अपना मैनिफेस्टो पूरा करना, लागू करना होता है। सर खेल वाला देखिए, आप हमारा 2005 का मैनिफेस्टो पढ़ो और एक बिंदु भी ऐसा निकालो जो हमने पूरा ना किया हो, 2009 का मैनिफेस्टो पढ़ो, एक बिंदु भी ऐसा नहीं है, तो 5 साल लगते हैं उसमें। और स्पोर्ट्स कार्ड डाला है इसमें, जो आपका सवाल था, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है हमने डाली है, क्योंकि हरियाणा जो है बहुत जो है हमारा स्पोर्ट्स के अंदर हमारे बच्चों ने बहुत कुशल दिखाया है, और भिवानी के अंदर स्पेसिफिक मेंशन करा है, क्योंकि भिवानी को हिंदुस्तान का मिनी क्यूबा माना जाता है, इसलिए भिवानी के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पूरी तरह से निर्माण करने की बात हमने करी। ओवरसीज कांग्रेस ने इसका जवाब खुद दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये कोई इसमें कोई इश्यू बचा है, उन्होंने खुद साफ बता दिया कि उनकी क्या बात हुई थी, और ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है उनकी। ठीक है, थैंक यू जी। माइक, कृपया माइक आगे पास कर दीजिए, माइक दे दीजिए। सर बोलो, हुड्डा साहब से मेरा एक सवाल है सर। हेलो सर, हुड्डा साहब से एक सवाल है सर मेरा। धारा 370 के इशू पे आपकी जो हरियाणा की लीडरशिप है उसने एक प्रस्ताव पारित किया था थैंक्स का, उन्होंने कहा था भाई जो शहीद हैं हरियाणा के, बहुत ज्यादा फौजी शहीद होते हैं सीमाओं पे, तो 370 को हटाने का समर्थन किया था लीडरशिप ने। अब अमित शाह कल परसों हरियाणा आए तो उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस की लीडरशिप ये पहले साफ करे कि उनका क्या स्टैंड है 370 पे। और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि चलो पहले इसका आप जवाब दे दें। मैं उनको इतना ही बता दूंगा कि कोई धारा 370 अनटचेबल चीज नहीं थी, जो आपके संविधान में 70 साल हो तो अनटचेबल कैसे हो सकती, और उसी संविधान की प्रधानमंत्री जी 2 दफा कसम खा चुके हैं और गृहमंत्री जी भी खा सकते हैं। तो जिस संविधान के अंदर जो जो भी हमारी चीजें इतने वर्षों से रही हों, ठीक है जब तक उसमें तब्दीली लाते हैं तब तक वो होता है और हमारे संविधान का हिस्सा होता है,
और उसका हिस्सा मोदी जी भी थे, अमित शाह जी ने भी उसी संविधान की हिस्सा ली जिसमें 370 था। अब उसमें परिवर्तन आ गया और परिवर्तन अब कानून बन गया। एक सर आपके जो पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं कल भी चंडीगढ़ में थे, तमाम एलिगेशन आपके पूरे हाईकमान पे और व्यवस्था पे वो लगा रहे हैं कि टिकटों की बिक्री हो रही है, ये हो रहा है, इस पे कोई आप लोगों का बयान नहीं आया। ये मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि 6 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट थे बीजेपी के शत्रु जी, वो इतने इल्जाम और इतने भाषण करते थे है? और हर अपोजिशन मंच से उनको गालियां देते थे और 3-4 और उनके वित्त मंत्री भी उनको गालियां देते थे, उस पर तो किसी ने 6 साल से कोई आपत्ति नहीं उठाई। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से सवाल है। हेलो बहुत बहुत सर, सर सर एक सवाल है हुड्डा साहब से। अभी हाल ही में नाबार्ड टाइम में एक स्टेटमेंट छपा था आपका धारा 370 के समर्थन में, जिसमें आपने कहा था कि जो धारा 370 का विरोध करेगा उसको जेल जाना चाहिए, क्या ये सही है सर? नहीं कहा, ये नहीं छपा, तो मैंने कहा जो भी भारतवर्ष का विरोध करेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा, जो अब देशवासी देश का विरोध करके जाएगा 370 का तो जिक्र ही था। ठीक है सर, मैं इस पे बोल देती हूँ। विधानसभा के अंदर हमने पूरा जो देश हित के अंदर है पूरा का पूरा पारित करा था, तो कहीं यहाँ पे ये सवाल का जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। साथियों हमारे जो फोन था नंबर दिया था जो हमने, वो 2500 से ऊपर उसकी कॉल्स आ चुकी हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, और आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूं कि हमारे संकल्प पत्र का आपने स्वागत किया है, और आप सबको न्योता है कृपया हमारे साथ आप दोपहर का खाना खाइए। हमारे पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है हमारे साथ आप खाना खाइए। प्रमोद क्या बोल रही है? प्रमोद